नमस्ते दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में। सुनीता की रसोई है। आज मैं बना रही हूँ गोभी का कीमा, जिसके लिए दो गोभी लिए मैंने, एक कटोरी मटर। ये सब मैंने धो के साफ कर लिया। और इसके मसाले के लिए दो प्याज, अदरक का छोटा टुकड़ा, चार हरी मिर्च हैं, 8-10 लहसुन की कलियाँ और दो टमाटर। अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले गोभी को कद्दूकस कर लिया। अब कढ़ाई को चढ़ा देंगे। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। दो बड़े चम्मच ऑयल, सरसों ऑयल डाल दिया। तेल गरम हो गया, तेज पत्ता डाल दिया, दो तीन जीरा डाल दिया। अब प्याज को डालेंगे। प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का ये मैंने चॉपर में साफ किया, ये डाला। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया। अब टमाटर को जो चॉप किया है वो ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च। थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये मसाले सारे हमारे टमाटर की प्यूरी के साथ भून जाएंगे। पानी अलग से डालने की जरूरत नहीं है। एक जैसी सब्जी खा के जब मन उब जाए तो इसी तरह से बना के खाएंगे तो खाना भी खाने में अच्छा लगेगा। तेल छोड़ने लगा, मसाला भी हमारा भून गया है।
अब इसमें मटर को डाल देंगे। मटर को डाल दिया, अब गोभी भी ऐड कर देंगे। अब सब मिक्स कर देंगे। इस कीमे को आप खाएंगे तो मटन का कीमा खाना भूल जाएंगे, गोभी के कीमा को खा के फिर आप इसी के गोभी के कीमे को खाएंगे, मटन का कीमा आप नहीं खाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। कद्दू का सभी के घर में रहता है, जिसके पास चॉपर है चॉपर में आप चॉप कर लीजिए, नहीं तो कद्दू कट कर लीजिए और बनाइए और खाइए। अब इसको दो तीन मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ये देखिए बनके तैयार है, फटाफट 5 मिनट में बनने वाली हमारी सब्जी। ये मटर भी बन गई। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला डाला, अच्छे से मिक्स करते हैं। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। कीमा बन गया मेरा। अब ये रोटी के साथ खाइए, पराठे से खाइए, जिससे भी आपको पसंद है, चावल से भी अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।